आज बात करेंगे असोकारिष्ट के उपयोग के बारे में। असोकारिष्ट किस लिए उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानना था। जैसा कि मैंने इसके पहले अमृतारिष्ट के बारे में बता दिया है, असोकारिष्ट दशमूलारिष्ट के बारे में बताने के लिए मैंने कहा हुआ था, तो इसलिए आज असोकारिष्ट के बारे में आज सभी को बताऊंगा। तो जो भी बातें आपको बार बार कहता हूँ कि अगर किसी भी मेडिसिन के बारे में आप सभी को बताया जाए, तो आप सारी चीज़ें सुनते हो, ठीक है, उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात तब होगी जो भी मेडिसिन आपको बताया जाता है तो आप अगर उसको यूज़ करते हो तो किसी डॉक्टर से पूछ करके ही करते हैं, तो वो बेनिफिशियल हो जाता है, ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। अपने मन से आप उस दवा का प्रयोग न करें। जो आपको बातें बताई जाती हैं, सारी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो पूरी तरह से सही हैं, लेकिन तब भी प्रयोग करने से पूर्व आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है, क्योंकि दवाइयाँ हैं, बिना अगर सलाह के आप प्रयोग में लेते हो तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कोशिश मुझसे मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं 100% सही हो, लेकिन मात्रा अगर आप गलत लेते हो, अगर कोई बीमारी है उसमें आप प्रयोग में ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने में ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। तो वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें एक साथ बताना बहुत ही कम समय में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो वही चीज़ें बता पाते हैं हम कि जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके लिए ज़रूरी है। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और आप बिना चिकित्सक की सलाह के, बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप उस चीज़ को प्रयोग में ले लेते हो और आपको कोई बीमारी है तो उसका अगर नुकसान होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का नुकसान हो, इसलिए आप प्रयोग में लेने से पहले डॉक्टर की भी सलाह ले लें। तो चलिए देखते हैं अशोकारिष्ट पे क्या क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन जो है, किस एंगल से आप उस पर आंसर मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो है अशोकारिष्ट क्या है, आप सभी के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अशोकारिष्ट है क्या, किस किस चीज़ के लिए काम में आता है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो अगर निर्माण के बारे में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था कि आसो और आरिष्ट, तो जब भी रिष्ट बोलेंगे तो मतलब संधान इसका भी हुआ है, आसो का भी संधान किया जाता है। तो आसो का संधान किया जाता है तो उसमें अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वो बहुत ही शीतल हो जाता है, पचने में समय लेता है। लेकिन जब भी रिष्ट बोलेंगे तो अशोकारिष्ट बोला गया तो अग्नि पे इसको पाक किया जाता है, तो इसलिए ये उष्ण हो जाता है और जल्दी पच जाता है, तो इसलिए इसका बेनिफिट भी ज़्यादा हो जाता है। तो अशोकारिष्ट का निर्माण कैसे होता है, अशोकारिष्ट है क्या? तो अशोकारिष्ट एक सिरप है जिसका प्रयोग जो है अलग अलग बीमारियों के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग महिलाओं के रोगों में ही किया जाता है। यह अशोक के छाल से तैयार किया जाता है और अशोक के छाल के साथ बहुत सारी अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाई जाती हैं, उसके बाद से इसका एक रिष्ट तैयार किया जाता है और अरिष्ट तैयार किया जाता है, तब जा कर के इसे प्रयोग में, दवा के प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग होता है ये अशोक के पेड़ के साथ, के छाल के साथ विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों को मिला करके तैयार किया जाता है। महिलाओं से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या जो है हार्मोन असंतुलन का हो, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसमें अगर दिक्कत हो रही है तो उसमें भी ये बेनिफिट का काम करता है। अगर जो टाइमली जो है पीरियड नहीं आता है, अनियमित मासिक धर्म है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अशोकारिष्ट का। अगर कमर दर्द है महिलाओं का तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये करता है। पुरुष को भी ये बेनिफिशियल है, लेकिन बस पेट दर्द में अगर अल्सर है उसमें, या डाइजेशन सही नहीं है तो उसमें आप अशोकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये महिलाओं के लिए ही प्रयोग में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपके दिमाग में कि अशोकारिष्ट के फायदे क्या क्या हैं, किस किस चीज़ों में ये फायदे करता है। तो बहुत सारी बीमारियों में ये फायदेमंद है, जिसमें से एक बीमारी है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से आप परिचित होंगे, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस उस बीमारी को कहते हैं जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है शरीर में, तो ऐसी समस्या को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में अशोकारिष्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट का कार्य करता है। तो अगर किसी की बूढ़े बुजुर्ग हैं या यंग भी हैं जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में पेन रहता है, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं, चिकित्सक की सलाह पे इसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसी तरह से अगर देखें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
तो इम्यूनिटी जो बूस्टर है उसका काम ये करता है अशोकारिष्ट, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है इसको बढ़ा देता है, जिससे हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बीमारियाँ कम होती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम इसका है। और जैसा कि पहले भी बता दिया गया ऊपर मासिक धर्म में भी इसका प्रयोग करते हैं, मासिक धर्म अगर अनियमित रूप से आ रहा है, समय पर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पेट में दर्द है, रेगुलर पेट में दर्द रहता है, पेट में अल्सर की वजह से अगर दर्द होता है तो आप अशोकारिष्ट का यूज कर सकते हो। उसी तरह से अल्सर में राहत है, तो बता चुका हूँ पहले ही कि बहुत ज़्यादा अगर फोड़ो फुंसी होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली है शरीर पे त्वचा पे हो रही हो या इंटरनली अंदर शरीर के अंदर हो रही हो, तो उनमें भी अशोकारिष्ट का बहुत ज़्यादा फायदा है, तो चिकित्सक की सलाह पे आप उसका प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखते हैं कि अशोकारिष्ट का नुकसान क्या है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर प्रयोग विधि सही भी है और अगर आपको कोई बीमारी है, बिना डॉक्टर की सलाह लिए आपने इसका प्रयोग कर लिया किसी बीमारी में, तो उसका अगर नुकसान होता है तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना चिकित्सक के परामर्श के आप इसका प्रयोग मत कीजिएगा। तो इसका नुकसान क्या हो सकता है, अगर आप अधिक मात्रा में अगर अशोकारिष्ट का उपयोग कर लेते हो, मात्रा ज़्यादा ले लेते हो, तो अचानक से आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी और पेट में दर्द होने लगेगा, जिसके लिए आपको फिर अलग इलाज लेना पड़ेगा। तो इसलिए अत्यधिक मात्रा का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। उसी तरह से अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप अगर हाई बीपी के पेशेंट हैं तो अशोकारिष्ट का प्रयोग न ही करें। और अगर आप एज ए फार्मासिस्ट आपने अपने मेडिकल शॉप में अगर रखा हुआ है, तो आपका काम है दवाइयाँ जब आप दे रहे हो कस्टमर को, दवाई आप दे रहे हो तो उसमें आप दवा को खाने का तरीका भी बताते हैं, तो उस समय अगर आप अशोकारिष्ट आपसे कोई लेता है तो आप डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि हाई बीपी का अगर आप पेशेंट है तो मेरी सलाह ये है कि आप इसका प्रयोग ना करें, लेकिन डॉक्टर ने लिख करके दिया है तो आप दे सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि हाई बीपी के पेशेंट को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे भी तो मात्रा का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बहुत कम मात्रा में इसको लेना है। दूसरी चीज़, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है कोई, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को भी अशोकारिष्ट नहीं लेना है। कारण बता देता हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको आप नहीं ले सकते हो। उसी तरह से एक और चीज़ है, अगर अत्यधिक मात्रा में किसी लेडीज़ को बताया गया कि पीरियड आपका अगर टाइम से नहीं आ रहा, सही से नहीं आ रहा, उसमें अगर आप अशोकारिष्ट यूज कर लेते हो तो सही से जो अनियमितता है वो दूर हो जाती है। लेकिन अगर उसी अनियमितता को ठीक करने के लिए आप ज़्यादा मात्रा में अगर अशोकारिष्ट ले लेते हो, तो वो जो समस्या हो रही थी मासिक धर्म की, उसके लिए आपने अशोकारिष्ट लिया लेकिन वो और बिगड़ जाएगी और नुकसान होगा, तो इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें, तो ये नुकसान भी करेगा। और जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा प्रयोग करेंगे ज़्यादा मात्रा में तो एसिडिटी हो जाएगी और अचानक से पेट में दर्द भी होने लगेगा। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया आपको इसमें पोषक तत्वों के रूप में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फ्लेवोनॉइड्स है, इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी पाया जाता है, एल्केलाइड्स, बहुत सारे एल्केलाइड्स हैं इसमें जो पाए जाते हैं, टैनिन्स हैं, फिर ग्लाइकोसाइड्स इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से यह एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट हो जाता है अशोकारिष्ट, और हर तरह के पेशेंट इसको ले सकते हैं। और इसका प्रयोग करने से हमारे शरीर में बहुत सारी जो समस्या जो मैंने बताई वो सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। तो मैं तो कहूँगा इसका प्रयोग, अगर आपको सारी समस्याएँ हैं जो भी बताई गई इसमें अगर कोई समस्या है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो चिकित्सक की सलाह पर, और मात्रा का विशेष ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ कि अशोकारिष्ट के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे थे उसका आंसर मैंने दे दिया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई और क्या आपको जानना है, और कौन सी औषधि के बारे में, किस दवा के बारे में, आयुर्वेदिक या कौन सी एलोपैथिक दवा के बारे में आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो उस पर कमेंट कीजिए। मैं उस पर जल्दी ही आपके बीच में वीडियो लेकर के आऊँगा और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके उस चीज़ को भी मैं समझा दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो दूसरों तक वीडियो पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।